आज का हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स. आप कंसिडरेशन शेयर्स के लिए, शेयर इशू करने के लिए या सेल शेयर्स करने के लिए, इशू करना हम शेयर को सेल करना कहते हैं, तो इसके लिए हम कंसिडरेशन जो कि शेयर को सेल करने का मुआवजा या रेम्यूनरेशन होती है वो हम लोग क्या ले सकते हैं, ये इससे पहले हमने जाना. अब अगर हम कंसिडरेशन जो है वो रनिंग बिजनेस लेते हैं, शेयर सेल करके बदले में दूसरे का रनिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस ले लेते हैं, तो उस केस में हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे और क्या अमाउंट पे करेंगे साथ में, अगर ज़रूरी है अमाउंट भी साथ में पे करना, तो ये हम इस वीडियो में सीखेंगे. अब हम ब्रीफ सा आइडिया ले लेते हैं, जब कंपनीज शेयर सेल करती हैं तो वो क्या क्या कंसिडरेशन ले सकती हैं. जब कंपनीज शेयर सेल कर रही होती हैं तो वो शेयर सेल जितने की करती हैं, जितने शेयर्स पब्लिक को देती हैं, उन शेयर्स के बदले कैश ले लेती हैं, और कैश के अलावा भी कंसिडरेशन वसूल कर सकती हैं कंपनी. अब वो अदर देन कैश क्या कंसिडरेशन हो सकती है, जो दूसरी पार्टी है जिसको शेयर सेल किए जा रहे हैं उससे बिल्डिंग, प्लांट या मशीनरी, इस तरह के एसेट्स कंपनी ले सकती हैं और बदले में शेयर इशू कर दे. और इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है जिस पर आज हमारा फोकस होगा वो है रनिंग बिजनेस, किसी दूसरे पर्सन का या किसी दूसरी कंपनी का चलता हुआ बिजनेस कंपनी एक्वायर कर लेगी, कंपनी ले लेगी जो शेयर इशू कर रही है और बदले में अपने शेयर उसे दे देगी. तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, हमारी कंपनी है मून ऑयल कंपनी. अब ये जो मून ऑयल कंपनी है ये अपने शेयर्स को इशू करना चाह रही है. अब ये जिसको शेयर अपने इशू कर रही है या सेल कर रही है वो है सन ऑयल कंपनी. तो यहाँ पर हम लोग सन ऑयल कंपनी लिख लेते हैं, सीओ हम कंपनी के लिए लिख रहे हैं. तो अब जो मून ऑयल कंपनी है वो जो सन ऑयल कंपनी का बिजनेस जो है सन ऑयल कंपनी को ले रही है और बदले में इसके ओनर्स को अपने शेयर इशू कर रही है, तो हमने देखना ये है कि सन ऑयल कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे इसकी कितनी वर्थ है और कितना फिर मून ऑयल कंपनी उसको शेयर्स इशू करेगी, और अगर शेयर्स इशू कर शेयर्स के अलावा अगर शेयर्स इशू कर देती है और इसके अलावा जितने वो शेयर्स इशू करना चाह रही है उसके बराबर सन ऑयल कंपनी की वर्थ नहीं है, वर्थ उसकी ज़्यादा है, वैल्यू उसकी ज़्यादा है, तो शेयर्स के साथ मून ऑयल कंपनी को कैश भी देना पड़ेगा सन ऑयल कंपनी को. तो पहले हम ये करेंगे, सन ऑयल कंपनी की हम बैलेंस शीट देखते हैं और असेस करते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उसको कितने शेयर्स या कितना कैश देना है. ये सन ऑयल कंपनी की हमारे पास बैलेंस शीट है और सन ऑयल कंपनी अपनी जो है वो बिजनेस को बेच रही है और मून ऑयल कंपनी अपने शेयर्स इशू करके और कैश देकर उसे ख़रीद रही है. तो सन ऑयल कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर जो एसेट्स हैं इसके, जब कंपनी एक कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीदती है तो जो एसेट्स हैं वो भी ख़रीद लिए जाते हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी ख़रीद ली जाती हैं, और जो कुछ ऑनर्स इक्विटी में अमाउंट है वो अमाउंट ऑनर्स की है सन लिमिटेड सन ऑयल कंपनी के, तो इससे हमारा कंसर्न नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो टोटल एसेट्स हैं वो एसेट्स लेंगे. हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट को असेस कर रहे हैं कि हमें उसे सन ऑयल कंपनी को कितनी अमाउंट देनी है, और ये जो काम किया जा रहा है, बैलेंस शीट देखी जा रही है, ये मून ऑयल कंपनी देख रही है. तो एसेट्स जो हैं सन ऑयल कंपनी के वो हैं 56,60,000 के. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एसेट्स लिख लेंगे जो कि हैं 56,60,000 के, और एसेट्स में से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ एसेट्स नहीं लेंगे उसके, उसकी लाइबिलिटीज़ या जो भी सन ऑयल कंपनी ने दूसरों के कर्ज देने हैं वो लाइबिलिटीज़ भी अब मून लिमिटेड कंपनी की लाइबिलिटीज़ में जमा हो जाएंगी, इसकी लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जो एसेट्स हैं वो मून लिमिटेड कंपनी के अब हो जाएंगे ये सारे. तो लाइबिलिटीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर हैं दो लाइबिलिटीज़, एक है 19,20,000, एक है 74,000.
अब लाइबिलिटीज का अगर हम टोटल देखें तो ये है हमारे पास 19,94,000। तो यहाँ पर हम लोग 19,94,000 लिख लेंगे। तो अब देखें जो उनके हमने एसेट लिए हैं, एसेट भी लिए और लाइबिलिटी भी ली, तो अब जो अमाउंट हमने देनी है ऑयल कंपनी ने सन ऑयल कंपनी को, वो एसेट्स में से कर्जे माइनस करके जो बाकी अमाउंट बच जाएगी वो देनी है, क्योंकि मून ऑयल कंपनी की टोटल एसेट्स में से जो इतनी अमाउंट है वो तो कर्जे उतारने में जाएगी, इसलिए बजाय ये कि ये अमाउंट सन ऑयल कंपनी को दी जाए, ये इस अमाउंट के बराबर कर्जे सन ऑयल मून ऑयल कंपनी खुद उतार देगी। तो पाँच यहाँ 56,60,000 में से 19,94,000 अगर हम माइनस करें तो ये अमाउंट वही आएगी जो कि इक्विटी के बराबर है, और ये है 36,66,000। तो रुपीज़ यहाँ लिख लेते हैं, रुपीज़ 36,66,000 के बराबर शेयर्स इशू करने हैं मून ऑयल कंपनी ने, या अगर इतने शेयर्स नहीं इशू कर सकती या इतने शेयर्स नहीं सेल कर सकती तो साथ में कैश भी देना है सन ऑयल कंपनी को। अब हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं, जो चीज़ें आई हैं मून ऑयल कंपनी के पास उसकी, और फिर मून ऑयल कंपनी जो दे रही है वो भी हम एंट्री करके जानते हैं। तो ये है हमारे पास जर्नल। जिस वक्त ये जर्नल कौन बना रहा है, ये जर्नल जो तमाम असेसमेंट है, ये तमाम जो अंदाज़ा लगा रहा है, ये मून ऑयल कंपनी लगा रही है, तो ये मून ऑयल कंपनी का ही जर्नल है। मून ऑयल कंपनी के एसेट्स में यानी बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है उस अमाउंट से जो कि सन ऑयल कंपनी की बिल्डिंग की आ रही है। तो यहाँ हम अगर देखें तो बिल्डिंग कितनी आ रही है, 50,00,000 की, फर्नीचर आ रहा है 1,00,000 का, मशीनरी आ रही है 5,00,000 की, और 60,000 की इन्वेंट्री है। तो ये तमाम अमाउंट्स हम लोग इन तमाम अमाउंट से मून ऑयल कंपनी के जर्नल को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये मून ऑयल कंपनी का जर्नल है हमारे पास, तो इसमें हमने बिल्डिंग की जो अमाउंट या जिस अमाउंट की बिल्डिंग आई है मून ऑयल के पास तो वो हमने डेबिट कर दी, फर्नीचर को भी उस अमाउंट से डेबिट कर दिया, मशीनरी और इन्वेंट्री को भी इन दोनों की अमाउंट से डेबिट कर दिया। और अब जो मून ऑयल कंपनी की बैलेंस शीट होगी उस बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग की जो मून ऑयल कंपनी की बिल्डिंग की अमाउंट है उसमें ये अमाउंट जमा कर दी जाती है, फर्नीचर की अमाउंट भी जमा कर दी जाती है, मशीनरी और इन्वेंट्री की भी। अब जो मून ऑयल कंपनी की लाइबिलिटीज़ में इजाफा हुआ है एक कंपनी सन ऑयल कंपनी को एक्वायर यानी ख़रीदने की वजह से, तो वो हम देखते हैं। ये जो डिबेंचर्स हैं सन ऑयल कंपनी के, ये डिबेंचर जो हैं वो लोन होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि पब्लिक में कोई भी ख़रीद लेता है, और उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से एक फिक्स्ड इंटरेस्ट कंपनी को देना होता है इंटरेस्ट के रेट के मुताबिक, और एट द एंड जो है डिबेंचर कंपनी वापस लेकर और जिस पर्सन से ये लोन लिया है अमाउंट दे देती है। तो ये जो है लाइबिलिटी कंपनी की 19,20,000 की है, बैंक लोन 74,000 का है। अब जो लाइबिलिटीज़ आई हैं सन ऑयल कंपनी की वो हमने लिख ली, 19,20,000 के डिबेंचर्स और 74,000 का बैंक लोन मून ऑयल कंपनी को सन ऑयल कंपनी के बिहाफ पर पे करना होगा। और जो उसके एसेट्स की अगर ये अमाउंट लाइबिलिटीज़ की निकाल दें तो बाकी वर्थ है वो सन ऑयल कंपनी को देनी होगी। तो इस वक्त सन ऑयल कंपनी की जो सन ऑयल कंपनी भी लाइबिलिटी है मून ऑयल कंपनी की उस अमाउंट के लिए, जिस अमाउंट के एसेट्स अभी मून ऑयल कंपनी ले चुकी है, और ये हैं 36,66,000। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख लेते हैं 36,66,000। तो अब ये अमाउंट किस तरह से पे करेगी मून ऑयल कंपनी ये हम देखते हैं। सन ऑयल कंपनी लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी को ख़त्म करना है, तो लायबिलिटी को जब ख़त्म किया जाता है तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री की जाती है उस लायबिलिटी को डेबिट कर दिया जाता है सेम अमाउंट से। तो अब हम ये अमाउंट पे करने जा रहे हैं या इस अमाउंट के बराबर जो शेयर्स हैं वो इशू करने जा रहे हैं, तो हमने अपनी लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, यानी सन ऑयल कंपनी अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। अब जो हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं वो हमने यहाँ लिखा पेड 3,00,000 शेयर्स एट रुपीज़ 10 ईच, यानी हम
3 लाख शेयर्स अपनी कंपनी के पे कर रहे हैं सन ऑयल कंपनी के ऑनर्स को, और जो एक शेयर है वो है 10 रुपये का। तो अगर हम 3 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 30 लाख। तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल में हमारे पास आ जाएगा, हमारे शेयर कैपिटल में इजाफा हो जाएगा 30 लाख का, और जो बाकी अमाउंट है उसके लिए हम लोग कैश, यानी मून ऑयल कंपनी कैश दे देगी, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये एसेट होता है और जब एसेट देगी तो एसेट में कमी आ जाएगी, तो इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बाकी अमाउंट जो है वो कितनी है, 6,66,000। तो हमने यहाँ पर 6,66,000 लिख दिया। यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है इसलिए हमने कोई डेट नहीं लिखी। तो इस वीडियो में हमने जाना, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है और उस कंपनी को अपने शेयर्स और कैश बदले में इशू कर रही है, तो उससे रिलेटेड अमाउंट को हम लोगों ने कितनी पे करनी है हम किस तरह से देखेंगे, और उससे रिलेटेड फिर जर्नल एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे।